चलो दोस्तों, शुरू करते हैं ताऊजी की कॉमिक्स, ताऊजी और कंटकटा राक्षस। अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनना, बहुत ही पुरानी है ये। चंदनगढ़ के राजमहल के चकाचौंध से उबकर अक्सर ताऊजी जंगल की ओर निकल जाते थे, जहां उन्हें मानसिक शांति मिलती थी। जो शांति यहाँ है राजमहल में, तो उसका नामो निशान भी नहीं। चारों ओर प्राकृतिक ऐश्वर्य है, पेड़ों को दुलाती, मन को लुभाती मस्त हवा और पक्षियों की मीठी मीठी चहचहाटे मिलकर स्वर्ग का सा वातावरण बना देती हैं। ताऊजी एक पेड़ के नीचे बैठ गए और जादुई डंडा पहरेदारी के लिए खड़ा हो गया। थोड़ी देर में ताऊजी को नींद आ गई। अचानक ताऊजी की नींद खुली। अरे, यह आवाज किसकी? जादुई डंडे, बता किसकी आवाज? सुन, मेरी नींद खुली। जादुई डंडे ने ताऊजी को चुप रहने के लिए कह कर पेड़ की ओर इशारा किया। बहन, सुना तुमने? आज हमारे महाराज पर दुख का पहाड़ टूटने वाला है। मैं समझी नहीं बहन। ताऊजी ध्यान से बातें सुनने लगे। आज कंटकटा राक्षस हमारे महाराज की इकलौती राजकुमारी का अपहरण कर ले जाएगा। तब तो हमें फौरन महाराज को इसकी खबर देनी चाहिए, भला हम पक्षियों की भाषा कौन समझेगा। ये ठीक ही कह रही है, मुझे ही कुछ करना चाहिए। ताऊजी ने अपने जादुई डंडे को इशारा किया। ये जादुई डंडे, मुझे महाराज के पास ले चलो। और ताऊजी डंडे के साथ राजमहल की ओर उड़ चले। तभी एक पहाड़ी पर कंटकटा राक्षस प्रकट हुआ। ही हो। कंटकटा राक्षस ने हाथ घुमा, जादुई इशारा किया और एक भयंकर दैत्य हवा में पैदा हो गया। काल दूत हाजिर है। क्या हुक्म है मेरे आका? कालदूत, तुझे चांडाल देवता के यज्ञ के लिए महाराज की इकलौती सोन। कालदूत, मुझे चांडाल देवता के यज्ञ के लिए महाराज की इकलौती सोनपरी चाहिए, जा उसे ले आओ। बस एक फूंक और कालदूत क्षण भर में ही स्वर्ण महल जा पहुंचा। राजकुमारी सोनपरी राजमहल के बाग में अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। आकाश में उड़ते हुए कालदूत ने एक फूंक मारी। वो आंधी मुझे उड़ाए लिए जा रही है। कालदूत की जादुई फूंक भयंकर आंधी बन राजकुमारी सोनपरी को उड़ा ले चली। बचाओ बचाओ, राजकुमारी को आंधी उड़ाए ले जा रही है। ताऊजी उड़ते हुए राजमहल पहुंचे। राजमहल के द्वार पर, भाई, राजकुमारी सोनपरी महल में ही है न? वह गायब तो नहीं हुई? क्या कह रहे हैं श्रीमान, भला राजकुमारी क्यों गायब होने लगी? फिर हमारे होते तो यह नामुमकिन ही है। तभी, अरे सुना तुमने, राजकुमारी को आंधी उड़ा ले गई। क्या कहा? राजकुमारी को आंधी उड़ा ले गई, यानी वह गायब हो गई। ताऊजी भी यही कह रहे हैं। ताऊजी तुरंत राजा चंदन सिंह के पास पहुंचे, जिन्हें राजकुमारी के गायब होने का समाचार मिल चुका था। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि राजकुमारी को आंधी ने नहीं उड़ाया, बल्कि उसका अपहरण किया गया है। पर आपको कैसे पता? महाराज, मैंने दो पक्षियों को आपस में बातें करते सुना था, इसलिए यहाँ आया था। पर हाय मेरी बेटी, पता नहीं अब वह किस हाल में होगी। महाराज, आप धीरज रखे, राजकुमारी जहां भी होगी मैं उसे सकुशल वापस ले आऊंगा। राजमहल के बाहर जाकर ताऊजी ने जादुई डंडे से पूछा। जादुई डंडे, बता राजकुमारी का पता हमें कहाँ चलेगा? राजकुमारी का पता उसी पेड़ के पास मिलेगा जहां दो चिड़िया बैठी थी। जादुई डंडे, मुझे उसी पेड़ के पास ले चलो। और ताऊजी जंगल की ओर उड़ चले। ताऊजी पेड़ के पास पहुंच उसकी आड़ में छिपकर पक्षियों की बातें सुनने लगे। बहन, तुम तो राजकुमारी के अपहरण की बात कह रही थी, पर सुना है राजकुमारी को आंधी उड़ा ले गई है। क्या पता, सुबह इतने जोरों की आंधी चल रही थी कि मैं कुछ देख ही नहीं पाई। बहन लाली ठीक ही कह रही है, उसको आंधी ने कंटकटा राक्षस उड़ा ले गया है। ताऊजी राजकुमारी के अपहरणकर्ता का नाम जान चुके थे, वे पेड़ की आड़ से निकले। हा। उल्लू राजा, तुम्हें तो रात में ही दिखाई देता है, फिर तुमने मुझे कैसे देखा? तुम्हारी जल्दबाजी और झाड़ियों की खड़खड़ाहट से मैंने तुम्हें पहचाना है। यह बताओ, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? दोस्त, मैंने महाराज को राजकुमारी को सकुशल वापस ले जाने का वचन दिया है। बहुत बोले हो, भला इस डंडे की सहायता से क्या तुम खतरनाक कंटकटा राक्षस का मुकाबला कर सकोगे? यह मामूली डंडा नहीं, यह मेरा हमदम और अच्छा दोस्त है। ठीक है जाओ, पर बिना सर्पमणि के तुम कंटकटा तक कैसे पहुंचोगे?
इतना कह उल्लू राजा गायब हो गया। पहले मुझे स्वर्णमणि खोजनी चाहिए। ताऊ जी चलते चलते एक सरोवर के पास पहुंचे। कौन है, रुको, आवाज तो इसी दिशा से आ रही है, पर कोई नजर नहीं आता। अचानक सरोवर से एक दैत्य निकला। कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? जानते हो बिना मुझे राय यहां से कोई नहीं गुजर सकता। जानता हूं सरफराज, वार करो। सरफराज तावजी की ओर आग उगलता हुआ लपका। लो संभालो वार। तावजी ने जादुई डंडा उछाल दिया। संभालो वार। जादुई डंडे ने तलवार बन सरफराज की गर्दन काट दी। ओ, तभी कौन हो तुम? मैं परीलोक की राजकुमारी हूं, मुझे सरफराज ने कैद कर रखा था। आज आपने उसे मारकर मुझे आजाद किया है, आपका बहुत धन्यवाद। लीजिए, यह रही मेरी छोटी सी भेंट, ओ सर्पमणि। तावजी कनकटा राक्षस की खोज में आगे चल पड़े। उधर धूमकेतु की मायावी आंधी राजकुमारी को इधर ही ला रही है। कनकटा राक्षस ने सोनपरी को पकड़ लिया और उसे ले अपनी काली गुफा की ओर उड़ चला। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता सोनपरी, चांडाल देवता तुम्हारी बलि पाकर खुश हो जाएंगे। नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरे पिताजी तुम्हें ढेरों हीरे जवाहरात देंगे। मुझे हीरे जवाहरात नहीं, स्वर्गलोक चाहिए, समझी? कनकटा राक्षस ने मंत्र पढ़े एक चट्टान से गुफा का द्वार बंद कर दिया। चलकर देखो राजकुमारी के अपहरण के बाद मेरे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रचा जा रहा है। गुफा में आग कनकटा ने जादुई गोले को जगाया। गोले में तावजी आते हुए नजर आए। हे तिलस्मी जिन, जाग जाग। जादुई गोले से एक जिन प्रकट होने लगा। आपका यह बूढ़ा तावजी है, वह आपकी कैद से राजकुमारी को छुड़ाने इधर ही आ रहा है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कच्चा चबा जाऊंगा। राक्षस ने मंत्र पढ़ हवा में एक हड्डी उछाल दी। उधर तावजी गुफा की तलाश में भटक रहे थे। अचानक ही, अजीब बात है, थोड़ी देर पहले तो यहाँ कोई गुफा नहीं थी, चलकर देखूं शायद कनकटा यहीं रहता हो। उधर राक्षस ने तावजी को गोले में देखा। फंस गया चूहा, अब मैं इसे कच्चा खाऊंगा। वह जादू इशारे करने लगा, बंद हो जा, बंद हो जा। अरे गुफा का द्वार कैसे बंद हो गया? वो तो यह कंटकटा की जादुई चाल थी, यहां से कैसे निकलूं, दम घुट रहा है। तावजी ने मंत्र पढ़ा और जादुई डंडे मुझे बाहर निकालो। जादुई डंडे से प्रकाश की तेज किरणें निकली। पलक झपकते गुफा में चूहों की फौज भरने लगी और मिनटों में ही उन्होंने गुफा में सुरंग खोद डाली। इस कैद से तो बच निकला, आगे मुझे सावधान रहना चाहिए, कंटकटा को मेरे आने का पता चल चुका है। उधर कंटकटा ने जादुई गोले में देखा तो वो बच निकला, पर वह नहीं जानता मुझसे बचना आसान नहीं। राक्षस ने गुस्से में आकर मंत्र पढ़ा और जोर से फूंक मारी। फूंक। तावजी गुफा की कैद से निकले ही थे कि उन्हें भयंकर आंधी ने घेर लिया। ओ, यह आंधी मुझे उड़ाए लिए जा रही है। तावजी ने सर्पमणि मुंह में रख ली। गायब हो गया, मेरी मायावी आंधी ने ताऊ को पाताल लोक पहुंचा दिया। हा। नरकंकाल अपनी सफलता पर खुश होकर पलटा ही था कि दरअसल तावजी ने उसकी पीठ थपथपाई। कौन है, कौन है? हिम्मत है तो सामने आकर मुकाबला करो। तावजी प्रकट हुए। ओ, तो तुम अब तक जिंदा हो, इस बार तुझे पाताल लोक पहुंचा कर ही रहूंगा, वार संभालो। कंकाल का भाला आग उगलता हुआ तावजी की ओर लपका। तावजी ने अपना जादुई डंडा हवा में उछाल दिया। यह क्या, भाले के नष्ट होने से तो मेरी जादुई शक्ति भी नष्ट हो गई, भागूं? ठीक कहा तुमने, पूरी शक्तियों के साथ बुरे आदमी को भी बुरी शक्तियों के साथ बुरे आदमी को भी नष्ट हो जाना चाहिए। ओ जादुई गोले, मैं यह सब देख कंटकटा जादुई गोले में यह सब देख कंटकटा राक्षस गुस्से से कांपने लगा। गुर्र। उधर तावजी कंटकटा की खोज में आगे ही बढ़े चले जा रहे थे। बहुत थक गया, थोड़ा आराम कर लूं। तावजी आराम करने लगे और जादुई डंडा उनकी पहरेदारी करने लगा। अचानक ही पेड़ की दो शाखाएं सोए हुए तावजी की ओर बढ़ी और उन बाहों ने तावजी को जकड़ लिया। वो नरभक्षी पेड़, इससे बचना होगा। पेड़ के खतरनाक पंजे तावजी का गला दबाने लगे। तभी तावजी ने जादुई डंडे को याद किया। मदद जादुई डंडे, हुक्म पाते जादुई डंडा हवा में तन कर खड़ा हो गया
और कुल्हाड़ा बनकर नरभक्षी पेड़ के तने को काटने लगा। दूसरे क्षण आश्चर्य है, पेड़ कहाँ गायब हो गया, तुम कौन हो? मैं सूर्यनगर का राजा हूं, मुझे कंटकटा राक्षस ने अपनी जादुई शक्तियों से नरभक्षी पेड़ बना दिया था। क्या तुम्हें कंटकटा राक्षस की गुफा का पता मालूम है? उस काली पहाड़ी पर एक अंधी गुफा है, कंटकटा राक्षस वहीं रहता है। धन्यवाद दोस्त, मुझे भी उससे एक हिसाब चुकाना है। रावजी जादुई डंडे के साथ काली पहाड़ी की ओर उड़ चले। उधर आंधी अंधी गुफा में कैद राजकुमारी की किसी के चलने की आहट सुनाई दी। कौन है, सामने आओ। चट्टान की ओर से एक नन्हा बोना निकला। मैं हूं रुमझुम बोना, कंटकटा राक्षस ने मेरी प्रजा को कैद कर रखा है और रोज एक एक को खाकर अपनी भूख मिटाता है। अब मैं अकेला बचा हूं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती रुमझुम, गुफा का द्वार एक भारी चट्टान से बंद है। छत के उस छेद को देखो, मुझे किसी तरह वहां तक पहुंचा दो, मैं बाहर निकल तुम्हारे लिए सहायता का इंतजाम करवा दूंगा। इधर जब ताऊजी काली पहाड़ी पर पहुंचे तो उन्हें एक छेद से बोना निकलता दिखाई दिया। अरे यह क्या, रुको, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रुमझुम बोना हूं, मैं कंटकटा की कैद में बंद सोनपरी के लिए मदद लेने जा रहा हूं। अरे तो राजकुमारी यहाँ बंद है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हम आपके एहसानमंद रहेंगे, आइए मेरे साथ। रुमझुम ताऊजी को गुफा के द्वार पर ले जाता है। वो गुफा जादुई शक्ति से बंद है। उधर कंटकटा की गुफा में रखी जादुई खोपड़ी, हा, वह उड़ती हुई सोए कंटकटा के पास पहुंची। कट कट, कालिया मसान, बोल तूने मुझे सोते से क्यों जगाया? तू सो रहा है कंटकटा, और उधर तेरी मौत तुझे ढूंढ रही है। राक्षस जादुई गोले में देखता है, वही बूढ़ा है, पर यह गुफा के पास क्या कर रहा है? वह जादुई शक्ति से हाथ वह हवा में गायब हो जाता है। उधर गुफा पर ताऊजी अब क्या करे, बिना चट्टान हटाए राजकुमारी आजाद कैसे होगी? अचानक कड़ पहाड़ी पर कंटकटा राक्षस प्रकट हुआ। ताऊजी भागो, कंटकटा आ रहा है, इंसान की गंध, वह बूढ़ा यहीं आसपास है, अब क्या करे, वह हमें खा जाएगा। डरो नहीं रुमझुम, कोई उपाय सोचो। तभी आदम गंध का पीछा करता कंटकटा राक्षस वहां आ पहुंचा। वह रहा और उसने ताऊजी को अपने हाथों में दबोच लिया। बचाओ, राक्षस द्वारा ताऊजी को खाया जाता देख रुमझुम जान बचाकर भागा। अब वह मुझे खाएगा, जान बचाऊं। तभी हवा में ताऊजी प्रकट हुए। ताऊजी आप, वह कौन था जिसे राक्षस ने खाया था? वह जादुई डंडे की शक्ति से राक्षस को बुलावा देने के लिए मेरा ही हम शक्ल था, वह सोचता है उसने मुझे खा लिया है। आओ हम इन फूलों का रस अपने शरीर पर मल लेते हैं, इससे राक्षस हमारी गंध नहीं पा सकेगा। दोनों छिपकर कंटकटा को देखने लगे। वह अंधी गुफा की ओर जा रहा है, शायद राजकुमारी को खाने। कंटकटा ने मंत्र पढ़कर द्वार की ओर जादू इशारा किया, खुल जा खुल जा। गुफा के द्वार की चट्टान हवा में सरक गई। तभी बचाओ बचाओ, ओ रुमझुम आओ, दैत्य कहीं राजकुमारी को नुकसान न पहुंचाए, इससे पहले कि दोनों गुफा तक पहुंचते, बचाओ। वह राजकुमारी को कहीं और लिए जा रहा है, ताऊजी कुछ करिए ना। हे जादुई डंडे, दिखा अपना कमाल, हमें कंटकटा दैत्य के पीछे पीछे ले चलो। इसी गुफा में राजकुमारी कैद है, पर भीतर कैसे जाए? इस छोटे से सुराख से भीतर जाया जा सकता है। ताऊजी ने रुमझुम को जादू से तोता बना दिया और तोता बना बोना छोटे से सुराख से ही गुफा में जा घुसा। राजकुमारी जी, अब आप चिंता न करें, मैं मदद ले आया हूं। कैसी मदद, कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं रुमझुम बोना हूं और जादू से तोता बना हूं, तुम हिम्मत मत हारो, ताऊ जी जल्दी ही किसी तरकीब से छुड़ा लेंगे। मेरा बचना मुश्किल है रुमझुम, कल कंटकटा मुझे चांडाल देवता की बलि चढ़ा देगा। निराश न हो ताऊ जी, बलशाली और परोपकारी हैं, वे तुम्हें जरूर छुड़ा लेंगे। और रुमझुम उड़ गया। रुमझुम ने ताऊजी को सारी बात बताई। चिंता मत करो, राजकुमारी को छुड़ाने की कोई राह निकल ही आएगी। उस रात जब कंटकटा सोने जा रहा था तब, क्या बात है कालिया मसान, तू यहां कैसे?
तेरी मौत सिर पर खड़ी है और तुझे जरा भी चिंता नहीं कंटकटा। मैं उस ताऊ के बच्चे को तो कच्चा चबा चुका हूं, फिर मौत का डर कैसा। कल चांडाल देवता की बलि चढ़ाने के बाद मैं हमेशा के लिए मौत के डर से मुक्त हो जाऊंगा। दूसरी सुबह वह देखे वह राजकुमारी को बलि चढ़ाने के लिए लेने आ रहा है। बलि पाकर चांडाल देवता खुश हो मुझे अमर बना देंगे। जैसे ही कंटकटा गुफा के पास पहुंचा, ताऊजी ने जादुई डंडे को मंत्र पढ़कर हवा में घुमाया और अरे राजकुमारी गुफा के बाहर कैसे निकल आई? रुको, अब कहाँ भागोगी? बचाओ! अरे कहाँ गायब हो गई राजकुमारी? मैं यहाँ हूँ। इस बार बच गई पर इस बार नहीं बच सकती। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। कंटकटा मंत्र पढ़कर कालिया मसान को बुलाता है। बोल कालिया मसान, बोल, तेरे रहते राजकुमारी गुफा की कैद से बाहर कैसे आई? आका आपको धोखा हुआ है, राजकुमारी गुफा में ही है, गुफा का द्वार खोल कर तो देखिए। कंटकटा गुफा में जाकर देखता है। ओ मुझे सचमुच धोखा हुआ, अब देर करना ठीक नहीं, बचाओ बचाओ। ओ राजकुमारी की आवाज। ताऊजी देखिए कंटकटा दत्त्य राजकुमारी को जबरन बलि देने के लिए ले जा रहा है। ताऊजी जादुई मंत्र पढ़ा हाथ के इशारे करते हैं और पलक झपकते ही ताऊजी रुम झुम के साथ अदृश्य हो कंटकटा का पीछा करने लगे। कंटकटा राक्षस ने स्वंतवरी के साथ समुद्र में छलांग लगा दी। कंटकटा के पीछे ताऊजी भी छलांग लगाते हैं। मैं भी साथ आया ताऊजी, जरा रुकना। ताऊजी लगता है चांडाल देवता का मंदिर पाताल लोक में है। हूँ लगता तो ऐसा ही है रुमझुम। तभी एक भयंकर अष्टपाद ने रुमझुम को अकेले तैरते देखा और उसने अपना एक हाथ बड़ा तैरते रुमझुम को पकड़ लिया। ओ अष्टपाद बचाओ! ताऊजी ने अपने जादुई डंडे को इशारा किया, जाओ। अष्टपाद ने जादुई डंडे को अपनी ओर आते देख रुमझुम को छोड़ अपनी दूसरी बाह उसे पकड़ने के लिए बढ़ाई। जादुई डंडे से बिजली की किरणें निकली और अष्टपाद मर गया। ताऊजी और रुमझुम समुद्र की गहराई में उतर जाते हैं। अंत में ताऊजी लगता है वही पाताल लोक का चांडाल मंदिर है। सिपाही याद रहे, चांडाल देवता की पूजा खत्म होने तक मंदिर में कोई घुसने ना पाए, जो आ गया। अब क्या करे, चारों ओर सख्त पहरा है। ताऊजी जादू शक्ति से मंत्र पढ़ बिजली की तेजी से मंदिर में घुस जाते हैं। ताऊजी हम कहाँ जा रहे हैं? ताऊजी वह देखे कंटकटा राजकुमारी को जबरन उठाए इधर ही आ रहा है। ताऊजी और रुमझुम चांडाल देवता की चट्टान के पीछे छिप जाते हैं। राक्षस राजकुमारी को लेकर चांडाल देवता की मूर्ति के पास जाता है। बचाओ! नहीं नहीं मुझे छोड़ दो। तैयार हो जाओ राजकुमारी, तुम्हारी बलि पाकर मेरे देवता मुझ पर बहुत खुश होंगे। राजकुमारी मैं स्वर्गलोक जीतना चाहता हूं, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। क्या मेरी हत्या कर तुम स्वर्गलोक जीत सकोगे? हाँ, चांडाल देवता को तुम्हारी बलि देकर मैं अमर हो जाऊंगा, फिर मुझे देवता भी नहीं मार सकेंगे। ताऊजी आप खामोश क्यों हैं? कुछ करिए ना, वरना राक्षस राजकुमारी की हत्या कर देगा। मुझे भी राजकुमारी के प्राणों की चिंता है रुमझुम, बस उचित समय का इंतजार है। कंटकटा गंडासा लेकर लपकता है। बचाओ! समय आ गया, यही समय है। ताऊजी चट्टान पर चढ़ खोपड़ी में घुस जाते हैं और रुको कंटकटा रुको, कौन है? मैं चांडाल देवता हूं। मेरा अहोभाग है, जो आपके दर्शन हुए, आपकी पूजा के लिए बलि तैयार है। कंटकटा तुम मुझे बलि चढ़ाकर क्या चाहते हो? आपको खुश करना चांडाल देवता। और मुझे खुश कर तुम क्या पाना चाहते हो? आप तो सबके मन की बातें जानते हैं, आपसे क्या छिपा है? जानता हूं तुम स्वर्गलोक के देवताओं पर विजय पाना चाहते हो। हाँ देवता, इसलिए तो मैंने इस नन्ही राजकुमारी का अपहरण किया ताकि मैं इसे बलि चढ़ा सकूं। राजकुमारी बड़ी प्यारी और भोली है, मुझे बलि मंजूर है, पर क्या चांडाल देवता आज्ञा कीजिए? कंटकटा स्वर्गलोक पर विजय पाने का सपना असंभव है। जानते हो स्वर्गलोक के बलशाली और पराक्रमी देवताओं से लड़ाई में तुम मारे भी जा सकते हो चांडाल देवता, इसलिए तो मैं आपसे अमरता का वरदान चाहता हूँ। कंटकटा अमरता पाने के लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी, क्या तुम्हें मंजूर है?
मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं, आप आज्ञा दीजिए। क्या तुम अमर होने के लिए आग की लपटों में कूदने के लिए तैयार हो? आग में कूदना कौन सा मुश्किल है? अमर होने के लिए सौदा महंगा नहीं, मुझे मंजूर है। सांडाल देवता की विशाल खोपड़ी में छिपे तावजी ने जादुई डंडे को इशारा किया और सांडाल देवता की आंख से आग की लपटें निकलने लगी। कंटकटा दैत्य के सामने आग की लपटें उठने लगी। अग्नि परीक्षा में पास होते ही स्वर्गलोक तुम्हारे कदमों में होगा कंटकटा। कंटकटा दैत्य के आग में कूदते ही आ मरा। कंटकटा दैत्य के मरते ही चांडाल देवता की पहाड़ी कांपने लगी। ताऊजी यह क्या हो रहा है? खोपड़ी हिल क्यों रही है? रुमझुम कूदो भूचाल। रुमझुम भैया, दीदी। ताऊजी वह चांडाल देवता कहाँ गया? ताऊजी वह चांडाल देवता कहाँ गया? सब मायावी था, दैत्य की मृत्यु के साथ वह भी खत्म हो गया। आओ रुमझुम भैया, अब सब खुशी खुशी अपने घर चले। मेरा घर ही कहाँ रहा दीदी? कंटकटा राक्षस ने तो मेरी प्रजा को खा लिया और राज्य नष्ट कर दिया। चिंता न करो रुमझुम, आज से तुम मेरे साथ चंदनगढ़ के राजमहल में रहोगे। सावजी ने जादुई डंडे को इशारा किया और वह जादुई कालीन बन सबको ले चंदनगढ़ की ओर उड़ चला। समाप्त। दोस्तों, अच्छी थी? जरूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।